अब बात करते हैं हम ईएमएफ की, जो कि आपका सिलेबस है। तो ईएमएफ का अगर फुल फॉर्म देखो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ फुल फॉर्म अगर देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इससे एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये एक फोर्स है। तो पहले सोचा गया कि ये फोर्स है, पर ये फोर्स नहीं, ये निकला क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनो कांसेप्ट आ गया, मजाक बंद, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इसको कई लोग टर्मिनल भी बोलते हैं, वो भी सही है, ऑफ सेल, सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। पर रुको, व्हेन नो करंट फ्लोस, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, जिस टाइम ये सर्किट एक ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट मतलब ऐसे खुला हो, स्विच खुला है, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, व्हेन नो करंट फ्लोस यानी कि ओपन सर्किट, इस टाइम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोलते हैं। सिंबल यूज करते हैं ऐसे वाला ई, ऐसे ही वाला बनाते हैं किताब में, ई बनाने को आप सीधा ही बना सकते हो, किताबों में लिखा होता है। इसकी यूनिट कोई पूछे आपसे वोल्ट्स होगी, अगर कोई आपसे पूछे ईएमएफ की यूनिट क्या है, तो यूनिट वोल्ट्स है, नाम फोर्स है। ठीक है।